Okay, good afternoon, good evening, good morning everyone. This is Darshan Khare reporting live from Pune. First of all, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं और उनका अभी अभी रिजल्ट लगा है सीए फाइनल का, और जो लोग पास हुए हैं, मेरे तरफ से बहुत ज्यादा ज्यादा आपको बधाइयां। पहले तो आपको और मेनली आपके फैमिली को, बिकॉज ऑब्वियसली ये सिर्फ आपका एफर्ट्स नहीं है, आपके बैकग्राउंड में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने इसके लिए एफर्ट्स किया होगा। सो व्हेन आई से कांग्रेचुलेशंस टू यू एंड योर फैमिली, आई मीन टू से एवरी सच अ पर्सन जिसने आपके इस सक्सेस में कॉन्ट्रीब्यूट किया है। सो बहुत बढ़िया रिजल्ट आया है, मेनी कांग्रेट्स टू ऑल ऑफ यू। बहुत सारे बच्चों के मुझे मैसेज आए, मैंने सबको रिप्लाई भी दिया। इनकेस गलती से अगर मैंने किसी को रिप्लाई नहीं दिया तो प्लीज मुझे माफ कर देना। एट द सेम टाइम अगर आपके रिजल्ट आप शेयर करना चाहते हो तो यूट्यूब के नीचे यहां पे आप कमेंट सेक्शन में खुद के रिजल्ट शेयर कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर बिलीविंग मी, एंड जो लोग सीए बने उनके लिए भी मैं कहना चाहूंगा वेलकम टू द प्रोफेशन। एंड जैसे मैं हर बार क्लास के एंड में कहता था, बी माई प्रोफेशनल करीब। सो आज के दिन आपका ये ख्वाब पूरा हुआ। सो थैंक यू सो मच फॉर ट्रस्टिंग मी एंड मेनी मेनी कॉन्ग्रेट्स, बहुत सारी बधाइयां। कभी अगर पुणे आना हो तो मुझसे मिल लेना, और अपना छोटा सा गिफ्ट अगर मैंने आपके लिए रखा है ऑफकोर्स जो वो लेके चले जाना, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस थिंग्स एंड मेनी कॉन्ग्रेट्स। पर बात अब मैं उन लोगों से करना चाहूंगा जो थोड़े से अनफॉर्चुनेट है। थोड़ा हमेशा से मुझे पता नहीं, पर ये मेरा विल रहा है कि जब भी रिजल्ट आता है तो रादर देन जो लोग पास हुए हैं, ऑफकोर्स जो पास होते हैं वो सेलिब्रेट करते हैं और करना भी चाहिए बिकॉज इट इज अ बिग अचीवमेंट, ऑफकोर्स उसमें कोई दोमत नहीं है। बट जो लोग फेल होते हैं वो थोड़े से सेक्लूड हो जाते हैं और उनको आगे की राह नहीं मिलती कि किस तरीके से हमने आगे चलना चाहिए। तो एक मैं छोटा सा वीडियो शेयर कर रहा हूं उन सब लोगों के लिए जो अनफॉर्चुनेट रहे एंड इस सीए फाइनल के एग्जाम में फेल हो गए। तो मैं उनसे थोड़ा गुफ्तगू करना चाहूंगा पर्सनली, रादर देन प्रोफेशन वगैरह सब साइड में, मैं पर्सनली क्या फील करता हूं वो चीजें मैं आपसे थोड़ी सी बच्चों शेयर करना चाहूंगा जो लोग फेल हुए हैं। तो जरा वीडियो को ठीक से देखना, आई गेस आपको समझ में आएगा कि मैं एग्जैक्टली कहना क्या चाहता हूं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फेल्योर ये कभी भी आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता, कभी नहीं। सर आप ये कैसे कह सकते हो? मैं ये इसलिए कह सकता हूं क्योंकि मैं सीए फाइनल फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल था। सीए फाइनल फर्स्ट अटेम्प्ट में आई वॉज अ फेल्योर। और आपको शायद यकीन नहीं होगा, मैं सीए फाइनल फर्स्ट अटेम्प्ट में जिस सब्जेक्ट में फेल था, फर्स्ट ग्रुप के अंदर मेरा जो सब्जेक्ट फेल था इटसेल्फ वाज अ लॉ। फिर सेकंड अटेम्प्ट में लॉ मैंने मेरे हिसाब से प्रिपेयर किया, मेरे बहुत सारे एफर्ट्स मैंने उसके अंदर पुट किए क्योंकि थ्योरी मेरा हमेशा सा वीक जोन रहा था, बट आफ्टर दैट मैंने उसी को पावरफुल जोन बनाया। एंड राइट नाउ यू कैन सी कि मैं जिस सब्जेक्ट में फेल था मैं उसी को गाइड कर रहा हूं, एंड आई गेस आई एम डूइंग माय जॉब वेल। और मैं आपको दूसरी बात बताऊं तो हो सकता है आपको भी शॉक लगेगा, मेरा सेकंड ग्रुप एग्रीगेट में सिर्फ 4 मार्क्स रह गया था, मतलब इंडिविजुअल सब्जेक्ट सब पास थे, यहां तक कि मुझे कॉस्टिंग और क्यूटी में एग्जामिनेशन था, पर मेरा एग्रीगेट सिर्फ 4 मार्क्स से फेल हुआ था। पर उस फेल्योर को कभी भी मैंने मेरे फ्यूचर के ऊपर असर नहीं करने दिया। मैंने सेकंड अटेम्प्ट में बहुत ताकत से मेहनत की एंड आई वॉज वेरी श्योर इन द माई सेकंड अटेम्प्ट कि मुझे पास होना ही है चाहे कुछ भी हो जाए। भगवान के पास भी ऑप्शन नहीं रखना है कि भैया इसको रखना है करके या इसको फेल करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जितने लोग अनफॉर्चुनेट है मैं उनको बोलना चाहूंगा, बेटा फेल्योर तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड नहीं करता और ये कभी किसी का फ्यूचर डिसाइड कर नहीं सकता, क्योंकि अगर फेल्योर तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करता तो इस दुनिया में सक्सेसफुल लोग दिखते ही नहीं थे, क्योंकि हर सक्सेसफुल पर्सन इस दुनिया में कहीं ना कहीं फेल जरूर हुआ है, कहीं ना कहीं जरूर फेल हुआ है। एंड आई प्रोमिस यू कि अगर आप पूरे विल से, मैं सबसे पहली चीज आप सबको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, With all your will, point number one, accept this failure. I know, ये मुश्किल है, ये नहीं होता, इसमें बहुत सारी तकलीफ होती है। आपको ऐसा लगेगा सर मैंने बहुत पढ़ा था पर मेरे को पता नहीं कि क्या गलतियां हुई या क्यों मेरे को कम मार्क्स आए। बहुत सारे बच्चे इसको एक्सेप्ट ही नहीं करते कि भैया फेल्योर उनका है। मैंने भी नहीं किया था, मुझे भी 1-2 दिन लग गए थे एक्सेप्ट करने में, पर एक्सेप्ट करना इसलिए जरूरी है बिकॉज जितने जल्दी आप एक्सेप्ट करोगे तो आपको नए एवेन्यूज मिलेंगे कि आप इन चीजों को ठीक कैसे कर सकते हो।
And I promise you, once you accept it, na, you will come to know your mistakes in the future. You will come to know your mistakes. आपको खुद के mistakes पता चलेंगे. And that is my promise. मतलब मुझे भी खुद के वो mistakes पता चले थे जो मैंने first attempt में law पढ़ते वक्त किए थे. आपको भी खुद के mistakes पता चलेंगे अगर आप इस failure को accept करते हो और re-prepare करने की पूरी कोशिश करते हो. So please do that. First of all, accept your failure. Second, you will come to know your mistakes और उन mistakes को note करो. इसके एडिशन में मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आपको श्योर शॉट पास होना है, श्योर शॉट कि नहीं सर मुझे पास होना है, अब जो रास्ता दो हम उस रास्ते के ऊपर चलेंगे, पर मुझे पास होना है, मैं आपको सिंपल बेटा एक टेक्निक दे सकता हूं, राइटिंग प्रैक्टिस. आप जितना ज्यादा राइटिंग प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है. नाउ सर व्हाट इज राइटिंग प्रैक्टिस? तो बच्चों को जब मैं राइटिंग प्रैक्टिस बोलता हूं तो बच्चे ऐसे क्वेश्चन पढ़ते उसको लिखते हैं. नहीं, राइटिंग प्रैक्टिस का मतलब क्वेश्चन पढ़ के लिखना नहीं होता. राइटिंग प्रैक्टिस का मतलब होता है यू रीड द क्वेश्चन, तुम खुद के मन से खुद के लैंग्वेज में आंसर लिखो और फिर मॉडल आंसर्स से वो आंसर्स को चेक करो. तो मैं इसको राइटिंग प्रैक्टिस कहूंगा, अदरवाइज मैं इसको राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कह सकता. बेटा तुम पहले लिखो फिर उसको चेक करो मॉडल आंसर से, तो तुमको गलतियां पता चलेगी और जो तुम्हारी गलतियां हुई है या जो तुम भूल चुके हो उसको मार्क करो. ये मूल मंत्र है किसी भी सीए के एग्जाम को पास करने का, बिकॉज लास्ट 3 घंटे में लिखना है. और जो बच्चे पूरे पेपर लिख के आए वो पेपर जाने के बाद ये सोचते हैं कि मेरा पेपर बहुत अच्छा गया, पर तुमने लिखते वक्त कितनी गलतियां की ये तुमको तब तक नहीं समझेगा जब तक आप ये चीज नहीं करते. और आपको अगर श्योर शॉट पास होना है, श्योर शॉट आपको सक्सेस चाहिए, आपको फेल्योर नहीं चाहिए अगर नेक्स्ट एग्जाम में, तो मैं आपको बोलना चाहूंगा बेटा कंपल्सरीली गिव टेस्ट सीरीज, कंपल्सरीली टेस्ट सीरीज दो. वी स्मार्ट की दो कोई दिक्कत नहीं, कोई दूसरी दो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टेस्ट सीरीज दो. मैं हमेशा मेरे क्लास में कहता हूं टेस्ट सीरीज ही वो एग्जाम है या वो अटेम्प्ट है जो काउंट नहीं होता. आप एक टेस्ट दोगे आपको कम से कम आपकी 10 गलतियां पता चलेगी, ऐसे आप 3 टेस्ट दे दोगे 30 के आसपास मिस्टेक्स आपको पता चलेंगे जो आप कॉमनली करते हो, और फिर आपको पता चलेगा कि आपने आपका फेल्योर क्यों एक्सेप्ट करना चाहिए. बिकॉज ये गलतियां बच्चे करते हैं और उनको समझ में ही नहीं आता कि उन्होंने गलतियां की है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई डिसहार्टन, कोई डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है. अच्छे खासे लोग जो आज सक्सेसफुल है, हर बंदा फेल हुआ है, और यहीं से शुरुआत होती है खुद को एनालाइज करने की, खुद को समझने की, खुद के साथ बहुत ज्यादा प्रामाणिक रहने की. तो मैं चाहूंगा कि आप खुद के साथ बहुत जेन्युइनली कम्युनिकेट करो और बोलो कि हाँ ठीक है मेरे को फेल्योर हुआ है, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूं, बट आई विल वर्क ऑन दिस और मैं श्योरली नेक्स्ट टाइम रिजल्ट लेके आऊंगा. अगर आप ये चीज करोगे तो होगा, अदरवाइज बेटा मुश्किल है. रीजंस देने वाले बहुत है, एक्सक्यूजेस देने वाले उससे भी ज्यादा है, बट फेल्योर को एक्सेप्ट करने वाले बहुत कम है. जितने कम दिनों में आप इसको एक्सेप्ट करोगे उतने जल्दी आपका काम शुरू होगा. पर सर मैंने रिवैल्यूएशन के लिए पेपर डाला है, वो रिवैल्यूएशन का काम रिवैल्यूएशन करता रहेगा. सर मैंने आंसर शीट मंगवाई वो जब आएगी तब आएगी, बट व्हाट यू नीड टू डू नाउ, आप मेंटली फिजिकली स्टेबल हो जाओ. अ मेंटल एंड फिजिकली स्टेबल पर्सन ये किसी भी चैलेंज को बहुत अच्छे तरीके से एक्सेप्ट कर सकता है. सो दिस इज अ चैलेंज. इंस्टीट्यूट ने आपको फेल किया ना, आईसीआई ने आपको फेल किया, ऐसा आपको लग रहा है, टेक इट एज अ चैलेंज ना, पास होके दिखाओ, क्या गलत है, पढ़ाओ, ताकत से पढ़ो, पास होके दिखाओ. तो ये चीज सबसे पहले आप बच्चों ने एक्सेप्ट करना जरूरी है. आई वॉज अ फेल्योर, मैं कम से कम 5-10 बार रोया हूं उसके बाद में, फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट के बीच में, बट आई अश्योर यू कि अगर आप इस चैलेंज को री एक्सेप्ट करते हो तो आप जरूर पास होंगे और जिस दिन आप सीए बन जाओगे उस दिन ये सब खुशियां एक साथ आपको मिलेगी जो आपकी ड्यू थी. विवेकानंद जी का कोट है, जितना बड़ा स्ट्रगल होता है ना उतनी ही ज्यादा सक्सेस ग्लोरियस होती है. जितना बड़ा स्ट्रगल उतनी ही ज्यादा सक्सेस ग्लोरियस. अब तुम्हारा स्ट्रगलिंग पीरियड है, मान लो दिस इज अ बैड टाइम, चलो ठीक है, पर बैड टाइम में आप सबसे पहले यह चीज एक्सेप्ट करो कि मैं मेरे काम के साथ पूरा जेन्युइनली वर्क करूंगा. एंड एनीवेज जब आप पैदा हुए थे आपको इस दुनिया ने किसी ने प्रॉमिस नहीं किया था कि आपकी जिंदगी में बैड टाइम आएगा ही नहीं. बैड टाइम इज अ पार्ट ऑफ लाइफ. ये तो खुदा का शुक्र है आप बोल दो कि नहीं ठीक है अभी आ गया, ठीक है आप यंग हो, इसको सहने लायक हो, सह लो, थोड़ी और मेहनत करो, जरूर पास हो जाओगे. तो किसी ने प्रॉमिस नहीं किया था कि आपकी जिंदगी में बैड टाइम नहीं आएगा, आएगा जरूर आएगा. बैड टाइम्स गुड टाइम्स चलते रहते हैं. इन बैड टाइम्स व्हाट यू नीड टू डू, आप सिर्फ आपका काम कंसिस्टेंटली करो. फेल हो गए मान लो, दूसरे दिन इमीडिएटली पढ़ना शुरू करो. सो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो लोग अनफॉर्चुनेट हुए बिल्कुल हार नहीं माननी है, हम साथ में मिलकर इसके निपटाएंगे, ठीक है, कोई डरने की जरूरत नहीं है. यहां तक समझ में आया सबको? हाँ ना. सो गेटअप,
and start studying. Simple as that. The more you sweat into a practice, the less you bleed into a battle. इस बार बैटल में चलो ब्लीडिंग हो गया, बट नो, नेक्स्ट टाइम हम इतना ज्यादा पसीना बहाएंगे कि जंग में खून ना बहे. ये चीज को आपको याद रखना है हमेशा. जितना ज्यादा यहां पे प्रैक्टिस कर सकते हो करो. राइटिंग प्रैक्टिस, जितना ज्यादा राइटिंग प्रैक्टिस, जितने ज्यादा टेस्ट दे सकते हो दो. इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू. ठीक है. अब बहुत सारे बच्चे, ठीक है, यहां तक तो सब सिचुएशन फाइन, बट अब बहुत सारे बच्चों के सवाल होंगे कि सर बच्चे हैं हाथ में सिर्फ ढाई महीने, सितंबर अक्टूबर और अगस्त का हाफ मंथ, और हम एग्जाम देना चाहते हैं सर, अब कैसे मैनेज करेंगे इन सब चीजों को, और स्पेसिफिकली लॉ को आप क्या बताना चाहोगे, क्या सजेस्ट करना चाहोगे. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू नीड टू डू इज अ प्लान. एक प्रॉपर प्लान खुद का लेके बैठो. आप बोथ ग्रुप दे रहे हो तो किस तरीके से दोगे, उसमें टेस्ट सीरीज और राइटिंग प्रैक्टिस के लिए सफिशियंट टाइम आपने देना चाहिए. और अगर आप स्पेसिफिकली लॉ के लिए पूछ रहे हो, देखो खुद का प्लान आपको खुद को ही करना है, लेकिन आप स्पेसिफिकली लॉ के लिए पूछ रहे हो, तो मैं आपके लिए कुछ स्पेसिफिक चीजें लेके आ रहा हूं जो आपको हेल्प कर सकती है. मैंने आपको हमेशा हर क्लास में बोला है, मेरा काम वहां पे खत्म नहीं होता जहां पे आपकी क्लास खत्म होती है, मेरा काम वहां पे खत्म होगा जब आपका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा. और इस चीज के लिए वी स्मार्ट पिछले दो एग्जाम से कंसिस्टेंटली मेहनत कर रहा है, और इस बार भी हम इसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं. सो लेट मी टेल यू कि आपके जो भी क्वेरीज है उन सब के आंसर्स देने के लिए मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं. सो बहुत अच्छे से ध्यान देना. फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबके क्वेरीज क्या है, उन सभी क्वेरीज को मैं आंसर कर दूं. मैंने इसको एक जगह पे नोट डाउन किया है मेरे सेलफोन में, दैट्स व्हाई मैं इसको देख देख के एक बार बोलूंगा कि कौन कौन से टाइप की आपकी क्वेरी हो सकती है. सो एवरीबडी जस्ट कीप ऑन कॉन्सेंट्रेटिंग, तो जाके आपको समझ में आएगा. ठीक है. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी क्वेरीज क्या आ सकते हैं, मैं एक एक क्वेरी को यहां पर लिस्ट करना चाहूंगा. क्वेरी नंबर वन, सर व्हाट अबाउट अमेंडमेंट्स. क्वेरी नंबर टू, सर व्हाट अबाउट नोट्स. क्वेरी नंबर थ्री, सर व्हाट अबाउट योर सिंपल बुक. क्वेरी नंबर फोर, सर व्हाट अबाउट योर क्वेश्चनेयर. क्वेरी नंबर फाइव, सर व्हाट अबाउट वन डे रिविजन्स. ठीक है, ये सब क्वेरीज है. इन सभी क्वेरीज को मैं यहां पे एड्रेस करना चाहूंगा. जैसे आप सबको पता है अगर आप मुझसे पढ़े हो तो, कि मेरे अमेंडमेंट लेक्चर 10 सितंबर और 10 मार्च को YouTube के ऊपर आते हैं इन द फॉर्म ऑफ वीडियो विथ PDF नोट्स. तो ये इस बार भी होगा. फॉर्चुनेटली अमेंडमेंट्स काफी कम है, तो इस बार ये लेक्चर 10 सितंबर को आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा. आप एग्जिस्टिंग कोर्स को पूरे तरीके से बहुत ताकत से पढ़ सकते हो, उसके अंदर हार्डली कोई अमेंडमेंट्स है. ठीक है, सो बहुत कम अमेंडमेंट है. और एनीवेज एक प्रिंसिपल हमेशा याद रखना, 20 पेजेस के अमेंडमेंट से आपको 2000 पेजेस पढ़ने से कोई रोक नहीं सकता. सो जो आपका सिलेबस है उसको आप पढ़ते रहो, जो अमेंडमेंट है उसके लिए बिल्टअप ही मिलेगा, गलत कुछ नहीं होगा. 10 सितंबर को जब अमेंडमेंट रिलीज होगी तो वीडियो प्लस PDF नोट्स के साथ में आप उसको अवेल कर सकते हो. ये यूट्यूब पे आएगा, मेरा चैनल CA दर्शन खरे या वी स्मार्ट के चैनल के ऊपर ये मिल जाएगा. सो ये हो गया पहला सवाल, अमेंडमेंट का खत्म और नवंबर 19 एग्जाम. समझ में आया. दूसरी चीज नोट्स. नॉर्मली मैं ये बिल्कुल नहीं बोलता हूं कि आप आपके नोट्स चेंज करो, ठीक है, पर मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करना चाहूंगा. क्या आपके नोट्स लास्ट 6 मंथ्स में लिए हुए हैं, या आपके मन नोट्स बिफोर 6 मंथ्स लिए हैं. बिफोर 6 मंथ्स अगर आपने आपके नोट्स लिए हैं, देखो लास्ट 6 मंथ्स में आपने नोट्स लिए हैं, तो आई विल इंसिस्ट यू टू जस्ट गो विद द अमेंडमेंट. ठीक है, और आपका काम हो जाएगा, नोट्स के जगह पे नेसेसरी चेंजेस कर लेना एंड द वर्क इज फिनिश्ड. लेकिन अगर आपने नोट्स लिए हैं लास्ट 6 मंथ्स बिफोर, 6 महीने पहले नोट्स लिए हैं, तो आई विल स्ट्रिक्टली इंसिस्ट यू टू चेंज योर नोट्स. आप आपके नोट्स को चेंज कर सकते हो और करना भी चाहिए. पर सर हमने आपके नोट्स में से पढ़ा है, आपके बुक में से पढ़ा है, आप चेंज करके कौन से बुक लेंगे, आपके क्लास बुक तो सेल के लिए नहीं है. तो दिस टाइम आई केम विद अ सॉल्यूशन. अगर आप नोट्स चेंज करना चाहते हो सबके सब, तो आई एम इशूइंग अ पब्लिकेशन बुक फॉर CA फाइनल. मैं इस बार बकायदा CA फाइनल की पब्लिकेशन बुक लॉन्च कर रहा हूं, जिसके प्री ऑर्डर्स टेंटेटिवली 20 तारीख से शुरू हो जाएंगे, और जिसकी डिलीवरी नियरली वी आर एक्सपेक्टिंग कि 25 से 30 तारीख के बीच में शुरू हो जाएगी. सो नियरली 1st ऑफ सितंबर से आप आपका पब्लिकेशन बुक से रेफरेंस लेना शुरू कर सकते हो.
ठीक है, थोड़े पब्लिकेशन बुक के टचअप्स बाकी है, बिकॉज अभी अभी आरटीपी रिलीज हुआ है, तो उस आरटीपी को भी हमको इंक्लूड करना पड़ेगा पब्लिकेशन बुक में, देन इट विल वर्क प्रॉपरली। सो पब्लिकेशन बुक हम लॉन्च करने वाले, नियरली आप इसको प्लान में रखो, आपके 1 सितंबर से आप ये पब्लिकेशन बुक ले सकते हो। दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग अगर आप खुद पढ़ना चाहते हो तो। नेक्स्ट चीज सिंपल बुक। सिंपल बुक को मैं थोड़ा सा इस बार मॉडिफाई कर रहा हूं, और जैसे विशाल सर का आइडेंटिटी बूस्टर आता है, मैं इसका नाम चेंज करके इस बार लिखने वाला हूं लॉ बूस्टर्स। लॉ बूस्टर, और लॉ बूस्टर के अंदर मैं सिंपल बुक में पहले सिर्फ पॉइंट पॉइंट पॉइंट्स थे, इस बार मैं थोड़े से मॉडिफिकेशन करने वाला हूं। सो आप लॉ बूस्टर वाली वो बुक नहीं अवेल कर सकते हो, जो आपकी सिंपल बुक है हमारी वो चेंज हो चुकी है लॉ बूस्टर बुक में। टेंटेटिवली 20 तारीख से ही इसका प्री बुकिंग शुरू हो जाएगा, एंड 25 से 30 तारीख के बीच में इसका डिलीवरी शुरू हो जाएगा, मतलब यहां से शिपमेंट निकलना शुरू हो जाएंगे। दिस इज फॉर लॉ बूस्टर, अगर आप शॉर्ट रिविजन में यह बुक रिवाइज करना चाहते हो तो। टेक्निक वही है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्क्स मिनिमम नंबर ऑफ पेजेस के अंदर किस तरीके से कवर किए जाए। एट द सेम टाइम क्वेश्चन यह, मैं इसके ऊपर थोड़ा सा कमेंट करना चाहूंगा, जो अक्टूबर नवंबर का रिकॉर्डिंग था, अक्टूबर नवंबर का 2018 का, उसके अंदर हमने प्रैक्टिस मैनुअल को टोटली कॉपी किया था, तो प्रैक्टिस मैनुअल में जो भी प्रॉब्लम्स थे वो आपको उस क्वेश्चनेयर में मिलेंगे जो अक्टूबर नवंबर का रिकॉर्डिंग था 2018 का। मेरे पास भी ऑप्शन नहीं था, क्योंकि प्रैक्टिस मैनुअल के ही आंसर्स मुझे देना कंपलसरी थे, और वही आंसर्स के हिसाब से आपका पूरा का पूरा पेपर चेक होगा। पर इंस्टीट्यूट ने 2019 फरवरी में खुद के प्रैक्टिस मैनुअल रिवोक कर लिए, पूरे प्रैक्टिस मैनुअल, और बच्चे बौखला गए। फिर उनको यह लगा कि भैया पूरा का पूरा क्वेश्चनेयर गलत है। पूरा क्वेश्चनेयर गलत नहीं था, आप प्रैक्टिस मैनुअल को ले सकते हो, आप मेरे क्वेश्चनेयर को ले सकते हो, दोनों को मैच कर सकते हो, यू विल कम टू नो कि इट इज एग्जैक्ट कॉपी ऑफ प्रैक्टिस मैनुअल, बिकॉज आपके क्वेश्चन पेपर और आंसर पेपर प्रैक्टिस मैनुअल से चेक होते हैं। सो मेरे पास भी ऑप्शन नहीं था, टू स्कोर गुड मार्क्स यू हैव टू राइट दैट थिंग ओनली। पर जब फरवरी में रिवोक हुआ तो मैंने मेरा पूरा क्वेश्चनेयर रिवाइव किया, उसके अंदर के सभी जो इंस्टीट्यूट ने प्रैक्टिस मैनुअल के मिस्टेक्स थे वो सब इन मिस्टेक मैंने हटाए, उसका प्रॉपर फॉर्मेटिंग किया, और मुझे जिस तरीके से आंसर्स प्रेजेंट करने हैं एग्जाम में, मैंने उस तरीके से एग्जाम में आंसर प्रेजेंट करने की टेक्निक दी। और इसी वजह से आप देखोगे कि फरवरी मार्च के रिकॉर्डिंग, मार्च अप्रैल के रिकॉर्डिंग में, 2019 के रिकॉर्डिंग में जो हमने क्वेश्चनेयर इशू किए वो फुल प्रूफ क्वेश्चनेयर्स है, फुल प्रूफ। सिर्फ एक दो जगह ऐसी है जहां पे मैंने इंस्टीट्यूट का व्यू लिया है और वहां नीचे नोट भी डाली है कि भैया इंस्टीट्यूट के व्यू के हिसाब से ये होगा, मैंने लॉजिकली ये पढ़ाया था। ये हमने क्वेश्चनेयर पूरा का पूरा अमेंड कर दिया है, और इस बार मैं इस क्वेश्चनेयर को और एक बड़े लेवल पे लेके जाना चाहता हूं। मैं इस क्वेश्चनेयर को इंडिया का सबसे बड़ा और बेस्ट क्वेश्चनेयर डिक्लेयर करना चाहूंगा, और उसको उसी तरीके से ड्राफ्ट करना चाहूंगा। वी आर एक्सपेक्टिंग कि क्वेश्चनेयर जो है ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा टेंटेटिवली 25 तारीख तक, इसका प्री बुकिंग ये टेंटेटिवली शुरू हो जाएगा 20 से 25 तारीख के बीच में, अगस्त के, ये सभी मैं डेट जो बोल रहा हूं वो अगस्त की है, 20 से 25 तारीख में हम इसका प्री बुकिंग शुरू करेंगे, और इसका डिलीवरी 30th अगस्त के बाद या 31st अगस्त के बाद शुरू हो जाएगा। सो बेसिकली स्पीकिंग ये तीनों जो बुक्स मैं आपको बोल रहा हूं, पब्लिकेशन बुक, बूस्टर बुक और क्वेश्चनेयर, ये तीनों चीजें फुल प्रूफ, मतलब 5 से 6 लोगों की टीम सिर्फ इस चीज के ऊपर वर्क कर रही है कि वो लोग हमारे पूरे बुक्स को, हमारे पूरे के पूरे क्वेश्चनेयर्स को और हमारे पूरे बूस्टर्स को प्रूफ रीड करें। सो आपके हाथ में जो मटेरियल आए वो पूरा प्रूफ रीडेड मटेरियल आए, हम उसी के ऊपर वर्क कर रहे हैं। सो ये चीज को आपको याद रखना है कि बेस्ट ऑफ द क्वेश्चनेयर्स में पूरे इंडिया में प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा इस बार। अभी तक के मेरे क्वेश्चनेयर सेल के लिए नहीं थे, पर जो ओल्ड स्टूडेंट है उनकी हेल्प के लिए हम क्वेश्चनेयर अब सेल के लिए आउट करने वाले हैं। एंड इफ पॉसिबल, अगर मुझसे ये हुआ, मैं इसका कोई प्रॉमिस नहीं करता, पर अगर मुझसे ये पॉसिबल हुआ तो ये जो क्वेश्चनेयर है इसके डिस्कशंस भी मैं यूट्यूब के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करूंगा। सो आपके हाथ में जो क्वेश्चनेयर होगा और जो डिस्कशन होगा वो वर्ड टू वर्ड मैच करेगा। सो इससे आपका क्वेश्चनेयर रेफरेंस भी बन, मतलब पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आप सिंपल, आपके पास टेक्निक, आप पब्लिकेशन बुक ले सकते हो उसे पढ़ना शुरू करो, या लॉ बूस्टर बुक ले सकते हो उससे आप पढ़ना शुरू करो, और बाद में जब क्वेश्चनेयर डिस्कशन धीरे धीरे यूट्यूब के ऊपर अपलोड होंगे तो आप क्वेश्चनेयर डिस्कशन के साथ भी जा सकते हो। ये पूरे प्रूफ रीडेड मटेरियल है जिसके अंदर मिस्टेक्स की गुंजाइश बहुत कम है, बट कितना भी कर लो थोड़ी बहुत ग्रामेटिकल मिस्टेक तो एनीवेज 4 लोग भी प्रूफ रीड करे तो हो सकती है, बट आई विल अश्योर यू टेक्निकली इसके अंदर कोई भी मिस्टेक नहीं होगा। ठीक है, दैट इज द क्वेश्चनेयर विच इज द बेस्ट पॉसिबल क्वेश्चनेयर, जिसके अंदर नियरली हम 5 से 7 आरटीपी और लास्ट एग्जाम तक के पेपर, मतलब नवंबर 17 तक के तो सभी क्वेश्चन है, और जो 3 एग्जाम के पेपर है नियरली मे 18, नवंबर 19 और मे 19, इनके पूरे पेपर हम सोल्व करके देने वाले हैं। इससे ये आसान ये हो जाएगा कि 3 पेपर आपको सोल्व करने के लिए
डायरेक्टली रेडीमेड मिल जाएंगे, दिस यू कैन ऑल्सो रेफर। सो ये क्वेश्चन यार, सो सिंपली मैं बोलना चाहूंगा ये सब चीजों की प्री बुकिंग शुरू होने वाली है 20th of August से, ठीक है, और ये आपको डिलीवर होना शुरू हो जाएंगे 25th से 31st of August के बीच में, ठीक है। तो इन चीजों को आपने याद रखना, इस हिसाब से आपने आपकी स्टडी प्लान करनी है, ठीक है। सर व्हाट अबाउट देयर कॉस्ट, आई विल अश्योर यू कि अगर आप वी स्मार्ट के एक्स स्टूडेंट हो तो नियरली आपको बहुत रीजनेबल प्राइस के ऊपर मिलेगा, जैसे लास्ट टाइम मेरी सिंपल बुक बहुत ज्यादा रीजनेबल प्राइस के ऊपर अवेलेबल थी, नियरली 300 रुपीज में। तो इस तरीके से इस बार भी, अब थोड़ा सा सिर्फ इन्फ्लेशन फैक्टर होगा, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, जितना हमको कॉस्ट लग रहा है उतने कॉस्ट के ऊपर हम इसको इश्यू करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये चीज होने के बाद में आई एम गोइंग फॉर वन डे रिविजन लेक्चर्स, ठीक है, पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर देना तो जाके समझ में आएगा। वन डे रिविजन लेक्चर्स 1 month बिफोर एग्जाम आपके रिलीज होंगे, जो नियरली सितंबर एंड में या अक्टूबर के फर्स्ट वीक के ऊपर यूट्यूब के ऊपर आ जाएंगे, 1 month बिफोर। लेकिन मैं आपको सिंपली ये बोलना चाहूंगा कि अगर आप प्रिपरेशन में इन्वॉल्व हो, ठीक है, आप ऑलरेडी प्रिपरेशन में घुस चुके हो, माय मिस्टेक, 1 second होल्ड, मैं आपको बोलना चाहूंगा कि अगर आप ऑलरेडी प्रिपरेशन में इन्वॉल्व हो चुके हो, हम ये बात कर रहे थे कि हमारे वंडर विजन जो है वो 1 month बिफोर एग्जाम अवेलेबल हो जाएंगे, दैट इज अगस्त एंड में या सितंबर फर्स्ट वीक में। पर मैं आपको सिंपली बोलू, इस बार के अमेंडमेंट्स बहुत कम है, तो उन अमेंडमेंट्स को ध्यान में रखते हुए इट इज क्वाइट पॉसिबल कि जो वंडर विजन मैंने May 2019 के लिए रिकॉर्ड किए थे और वो बहुत ही ज्यादा अच्छे थे, मुझे खुद को वो पर्सनली बहुत ज्यादा मतलब पसंद आए, बिकॉज 4 घंटे में मैंने उसके अंदर डायरेक्टर खत्म किया है, नियरली 7 घंटे के अंदर पूरा कंपनी लॉ खत्म किया है, एंड नियरली 12 घंटे के अंदर विथ इकोनॉमिक लॉ मैंने पूरा का पूरा रिविजन दिया है, जो आप 1, 2, 3 बार कितने भी बार देख सकते हो। सो ये जो वन डे रिविजन है वही मैं आगे कंटिन्यू करने की सोचूंगा, लेकिन ये डिसीजन 1 month बिफोर का, एक बार मैं सभी अमेंडमेंट्स पढ़ा दूं, देन वी विल डिसाइड। तो ऐसे सिचुएशन में अगर मैं कंटिन्यू करता हूं तो ये वन डे रिविजन जैसे के वैसे आप रेफर कर सकते हो, अभी भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट एट द सेम टाइम मैं आपको ये भी बोलूंगा कि अगर कुछ एडिशन होता है तो मैं उसको सेपरेट एक रिवीजन लेक्चर के अंदर दूंगा, जो हार्डली 1.5 घंटे का रिवीजन लेक्चर होगा। कंसेप्ट समझ में आया सबको, हाँ ना? तो ये चीज को आपको थोड़ा सा याद रखना है, दैट इज पॉइंट नंबर 5, वन डे रिवीजन 1 month बिफोर द एग्जाम। आइडिया क्लियर है? ये चीज होने के बाद में मैं बैठा हुआ अब अगले कंटेंट के ऊपर, और अगली चीज अब मैं जो आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूं, आई विल जस्ट सी द पॉइंट्स, होल्ड, हाँ, अगली चीज आप सब लोगों के साथ में जो डिस्कस करना चाहता हूं उसको मैं यहां पे प्रेजेंट करना चाहूंगा, बिकॉज इट इज वेरी नेसेसरी। बहुत सारे बच्चे मेरे को ये सवाल पूछते हैं कि सर हम लॉ प्रिपेयर करना चाहते हैं, पर अब जो हम लॉ प्रिपेयर करना चाहते हैं वो हम किस तरीके से प्रिपेयर करें। तो मेरे पास आपके लिए 2-3 ऑप्शन है, गौर से सुनना। सबसे पहला ऑप्शन है, अगर आप फर्स्ट टाइम लॉ पढ़ रहे हो, फर्स्ट टाइम, इसके पहले किसी से नहीं पढ़ा, या हो सकता है इसके पहले किसी और पब्लिकेशन से पढ़ा हुआ है पर इतना अच्छे से कुछ समझ में नहीं आया, कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको बिल्कुल नहीं है, यू हैव प्रॉब्लम्स इन द कंसेप्ट, अगर आपको कंसेप्ट में प्रॉब्लम्स है तो ऐसे सिचुएशन में आई विल सजेस्ट यू टू गो विद द सुपर 35 बैच। हमने इस बैच का नाम रखा है सुपर 35। देर आर नियरली 35 लेक्चर्स इंक्लूडिंग अमेंडमेंट लेक्चर्स ऑफ दिस बैच। ऑब्वियसली इसके जो रेगुलर लेक्चर्स है वो नियरली आपके जा रहे हैं 33 नंबर्स ऑफ लेक्चर्स पे, और जो 2 एडिशनल अमेंडमेंट लेक्चर्स आएंगे वो आपको यूट्यूब पे मिलेंगे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड सुपर 35 बैच, जिसके अंदर 33 कंटेंट लेक्चर है और बचे हुए 2 अमेंडमेंट लेक्चर्स है। अगर आपको इनडेप्थ कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए तो यू कैन गो विद दिस बैच, एंड दिस इज वेरी बेनिफिशियल बैच। इसके अंदर मैंने सिलेबस का नियरली 100% पोर्शन पूरा कवर किया है 35 लेक्चर्स में, जो नॉर्मली 60 लेक्चर्स में मैं कवर करता हूं। हाँ, ऑब्वियसली राइटिंग वगैरह का थोड़ा कंटेंट कम किया है, क्लास राइटिंग का कंटेंट थोड़ा सा कम किया है और उसको दिया है, मतलब स्पीडिली भी हो जाएगा। अगर आप स्पेसिफिकली इसको करना चाहो तो 15 दिन के अंदर आप पूरे 35 लेक्चर निपटा सकते हो,
ये एक पहला है उनके लिए जिनको कंसेप्चुअल दिक्कत है, कंसेप्ट में प्रॉब्लम है, या लॉ इसके पहले कभी जिंदगी में पढ़ा ही नहीं है, या फिर कहीं से पढ़ा पर समझ में नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं पता है कि लॉ क्या होता है, सो दे कैन गो विद दिस लेक्चर्स। दूसरा ऑप्शन मैं आपको देना चाहूंगा वो है बूस्टर्स। ये उन लोगों के लिए डेवलप किया गया है जिनके पास अभी एग्जाम के लिए सिर्फ 2.5 मंथ्स है, जिन्होंने ऑलरेडी लॉ पढ़ लिया है, ऑलरेडी लॉ पढ़ लिया है, और ये वो लोग हैं जिनको सिर्फ लॉ को रिवाइज करने की इच्छा है प्रॉपरली, जिनको सिर्फ लॉ को अच्छे से रिवाइज करना है, सर इनडेप्थ रिविजन हमको चाहिए, बाकी हमको कुछ नहीं चाहिए, उनके लिए यहां कंसेप्चुअल क्लैरिटी की अश्योरेंस नहीं है, यहां सिर्फ होगा बेटा रिविजन। हाँ, जो बहुत ही डिफिकल्ट कंसेप्ट है उसका थोड़ा बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन यहां पे आ जाएगा। दिस इज अ बूस्टर्स बैच, ठीक है, 2.5 मंथ्स जिनके लिए बाकी है प्रिपरेशन के, बैच 2.5 मंथ्स का नहीं है, आई एम वेरी सॉरी, बैच सिर्फ 15 लेक्चर्स का है, पर लेक्चर 2.15 मिनट से लेकर 2.30 मिनट्स, मतलब सवा दो से ढाई घंटे का एक एक लेक्चर यहां पे होगा, दिस इज कॉल्ड एज बूस्टर्स बैच। और मैं इसके अंदर आपको एक बहुत अच्छा डिक्लेरेशन देना चाहूंगा, ये बैच सभी इंडिया के सभी सीए फाइनल स्टूडेंट्स के लिए मेरे और वी स्मार्ट की तरफ से टोटली फ्री है, टोटली फ्री, टोटली मतलब लिटरली टोटली फ्री बैच है। आप इसको खुद रिवाइज करना चाहते हो आपके बुक में से आप कर सकते हो, अगर आप इन लेक्चर्स के साथ में मेरे बुक्स परचेस करना चाहते हो तो आपको पूरा बुक सेट, ऊपर जो मैंने ये बुक सेट बोला ये पूरा का पूरा बुक सेट, मतलब बूस्टर्स का बुक, पब्लिकेशन वाला नहीं, पब्लिकेशन इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, बूस्टर्स वाला बुक, क्वेश्चनेयर, ये दोनों चीजें बुक सेट वाली आपको यहां पे मिल जाएगी, पूरा का पूरा बुक सेट जो बूस्टर्स के लिए अप्लीकेबल होगा, ठीक है। और इसके अंदर मैं नियरली 90% ऑफ टोटल सिलेबस कवर करूंगा, हालांकि जो मैं बुक सेट दूंगा वो पूरा का पूरा 100% कवर करेगा, देयर इज अ 90% लेक्चर के अंदर कवर होगा सिलेबस, और बुक सेट के अंदर आपका 100% बुक सेट कवर होगा, 100% सिलेबस कवर होगा, और ये टोटली फ्री है। सर अगर ये लेक्चर टोटली फ्री है तो हम इसको अवेल कैसे कर सकते हैं? सो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, हाफ लेक्चर्स टेंटेटिवली आपके यूट्यूब पे आएंगे, फिलहाल इसका फिलहाल कोई प्रॉमिस नहीं है, बिकॉज हम देख रहे हैं, बिकॉज लास्ट टाइम हमने जब यूट्यूब पे पूरे लेक्चर्स डाले थे और ट्रैफिक एकदम बढ़ गया था तो हमारे चैनल ही यूट्यूब वालों ने डीलिस्ट कर दिए थे, सो अभी ये प्लानिंग में नहीं है, बट हम टेंटेटिवली प्लान कर रहे हैं, जो भी तरीका होगा उसको कम्युनिकेट किया जाएगा आपसे, डोंट वरी। हाफ ऑफ द लेक्चर्स इसके यूट्यूब पे आएंगे, नियरली 7-8 लेक्चर, और हाफ ऑफ द लेक्चर आपके ऑनलाइन डाउनलोड के लिए अवेलेबल रहेंगे, ऑनलाइन डाउनलोड के लिए अवेलेबल रहेंगे। आप एक बार बुक सेट वगैरह परचेस कर लेते हो, व्हेन यू आर रेडी विद दैट, आप आधे लेक्चर यूट्यूब पे देख सकते हो, आधे लेक्चर ऑनलाइन डाउनलोड के अंदर देख सकते हो on vsmartacademy.com। ये इसलिए बिकॉज लास्ट टाइम इतना ज्यादा ट्रैफिक एक साथ चैनल के ऊपर बढ़ गया था कि सस्पिशियस एक्टिविटी करके चैनल ही डिलीट हो गया था। सो हाफ लेक्चर्स यूट्यूब पे आएंगे, मेरा चैनल सीए दर्शन करें या vsmart के चैनल के ऊपर या दोनों के ऊपर, और हाफ लेक्चर्स आपको डाउनलोड करने के लिए अवेलेबल हो जाएंगे vsmartacademy.com के ऊपर। ये चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा, ठीक है। जिनको बहुत इफेक्टिवली प्रिपेयर करना है ये बूस्टर्स, मेरे पास उनके लिए ओपन इन्विटेशन है, 21st of August को आप सब लोग आ जाइए, जिनको सच में अच्छे से प्रिपेयर करना है बूस्टर्स 15 दिन के लिए, 21st August को आप आ जाइए 2 PM से लेके 4:30 PM के अंदर, ठीक है। 15 डेज आप कंसिस्टेंटली यहां पे आइए पूना में, मैं ये फेस टू फेस बैच कवरअप करने वाला हूं, ये बैच फेस टू फेस कवर होगा और आप वहां पे पढ़ सकते हो, और डेली इसके अंदर रिविजन लूंगा मैं पर्सनली, सो आपका हो सकता है नियरली 60-70% सिलेबस यहीं बैठे बैठे प्रिपेयर हो जाए। कवर तो मैं 90% कर रहा हूं, पर 60-70% आपको याद आने लायक तक के अपन कोशिश करेंगे पूरे तरीके से। सो 21st अगस्त से मैं इसका फेस टू फेस बैच ले रहा हूं, तो इस चीज के लिए आप कभी भी पुणे में आके इस बैच को अटेंड कर सकते हो, ठीक है। अब सर ये बूस्टर्स किस तरीके से वर्कआउट करेगा, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा बेनिफिट आपको बताना चाहूंगा। मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं सो दैट कोई पॉइंट मिस ना हो, सो आई विल रीड देम एंड देन आई विल राइट, तो आपको फायदा ही होगा। ये ऑब्वियसली वीडियो उन लोगों के लिए है जिनका स्पेसिफिकली निगेटिव रिजल्ट आया है, ये बूस्टर्स उनके लिए है जिनका स्पेसिफिकली निगेटिव रिजल्ट आया है, और जिन्होंने एक बार लॉ पढ़ा है, वन टाइम लॉ आपने पूरा एटलीस्ट रीड किया है, ये उनके लिए बैच है, पॉइंट नंबर वन। नया बंदा अगर इसको देखेगा तो ऑब्वियसली उसको अच्छा नहीं लगेगा, आई एम वार्निंग यू, बाद में मेरे को मत बोलना कि सर आप क्या पढ़ाते हो, ठीक है। नया बंदे को ये बिल्कुल सजेस्टेड नहीं है, जिसको कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है उसको ये बिल्कुल सजेस्टेड नहीं है, ही शुड गो विद सुपर 35 वाले लेक्चर्स,
क्लियर है कंसेप्ट? ये vsmartacademy.com के ऊपर सेल के लिए अवेलेबल है, और सुपर 35 में मैं मेरा पूरा रेगुलर बुक सेट देता हूं, रेगुलर क्लास का जो बुक सेट होता है वो पूरा का पूरा मैं सुपर 35 लेक्चर्स में देता हूं। सो यू शुड गो विद दिस जिनको कंसेप्चुअली दिक्कत है। हाँ, जिन्होंने एक बार लॉ पढ़ा है कंसेप्चुअली दिक्कत नहीं है, बट इंडी प्रिविजन करनी है उनके लिए सिर्फ है। ठीक है, आफ्टर दैट आई विल गो फॉर द सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट है कि ढाई महीने के अंदर 15 लेक्चर्स आपको ये करने हैं, और 15 लेक्चर बहुत ईजी है। जैसे मैंने आपको बोला 2 आवर्स 15 मिनट से 2 आवर्स 30 मिनट तक के लेक्चर्स होंगे जो आप इजीली कंप्लीट कर सकते हो। इसके अंदर मैं बोलना चाहूंगा तो डेली एक लेक्चर अपलोड होगा, डेली एक लेक्चर अपलोड होगा फ्रॉम 22nd ऑफ ऑगस्ट से। हो सकता है ये एक दिन इधर उधर हो जाए, तो एकदम से ज्यादा हैवॉक मत क्रिएट करना। 22nd ऑगस्ट को नहीं हुआ तो 23rd ऑगस्ट को हो ही जाएगा, क्योंकि यहां पे लेक्चर बनने के बाद उसको प्रूफ रीड करना पड़ता है, रेंडर करना पड़ता है, टेक्निकली साउंड करना पड़ता है, फिर आपको देना पड़ता है। क्योंकि लेक्चर देखते वक्त अगर आपको तकलीफ आ गई तो वो बहुत ज्यादा मैग्निफाई हो जाएगी, उससे आपको ही प्रॉब्लम आएगा। तो एक दो दिन इधर उधर, पर मैं 22 ऑगस्ट ले रहा हूं, एंड डेली 1 लेक्चर हम अपलोड करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके बाद में पॉइंट नंबर 4, जो हमारे 15 लेक्चर्स होंगे, इन 15 लेक्चर्स में टेंटेटिवली 10 से 12 लेक्चर्स होंगे कंपनी लॉ के, और नियरली अगर आप कंसीडर कर सकते हो तो 5 से लेके 6 लेक्चर्स ये होंगे इकोनॉमिक लॉ के। तो आपके दोनों पोर्शन यहां पे कवर हो रहे हैं, लेकिन मैंने जैसे बोला इट विल बी कवरिंग योर 90% ऑफ सिलेबस। इसमें मटेरियल हम क्या प्रोवाइड करेंगे, इसमें बुक सेट कौन सा है, तो आई विल सिंपली टेल यू। इसके अंदर आपको जो बुक मिलने वाली है, दैट इज अ बूस्टर बुक, जिसके अंदर हमने 100% सिलेबस कवर किया है। एंड एडिशनली आपको जो मैं बेस्ट क्वेश्चन ईयर बना रहा हूं, दैट बेस्ट क्वेश्चन ईयर Q&A मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं इसके साथ। सो आपका दोनों काम एक साथ हो जाएगा। आफ्टर दैट पॉइंट नंबर 6, हाँ, क्या ये लेक्चर्स बूस्टर लेक्चर अमेंडेड रहेंगे? हाँ, ये बूस्टर लेक्चर्स अमेंडेड रहेंगे, और इसके एडिशन में भी अगर आपको अमेंडमेंट्स करने हैं तो वो अमेंडमेंट आप ऑब्वियसली यूट्यूब के ऊपर देख सकते हो, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी डिक्लेरेशन दे दिया जो रिलीज होंगे 10 सितंबर को। फिर उसके बाद में ये बूस्टर्स के जो क्वेश्चन ईयर में डिस्कस कर रहा हूं, वो क्वेश्चन ईयर के डिस्कशन, क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कशन, ये नियरली अक्टूबर मिड तक के फुल्ली अपलोड हो जाएंगे। मतलब धीरे धीरे एक एक हर हफ्ते में एक ऐसा करते करते Q&A डिस्कशन अक्टूबर मिड तक के फुल अपलोड हो जाएंगे। जितने सारे क्वेश्चंस आपके क्वेश्चनर के अंदर है उतने सारे, हो सकता है उसमें से कुछ आपको डिस्कस करने के लिए, होमवर्क करने के लिए मैं दू जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो। फिर उसके बाद मैं कुछ पॉइंट्स लिखे हैं वो रीड कर रहा हूं, सो डोंट थिंक कि मेरे को एकदम से चुप क्यों हो जा रहा, सो आई एम जस्ट रीडिंग दैट। हां, क्या ये सभी रिपीटर स्टूडेंट के लिए सफिशिएंट है? तो मैं बोलना चाहूंगा जितने रिपीटर स्टूडेंट है दो पार्ट में डिवाइड हो जाओ, जिनको कंसेप्ट में प्रॉब्लम है गो विद सुपर 30 बैच, सुपर 35 बैच, और जिनके कंसेप्ट क्लियर है, जिनको कंसेप्ट में प्रॉब्लम है सुपर 35 बैच, और जिनके कंसेप्ट क्लियर है जिनको सिर्फ रिविजन चाहिए, यू कैन गो विद द बूस्टर्स। ठीक है, अगर आप ये करोगे तो आपके लिए बहुत काम की चीज हो जाएगी। आफ्टर दिस हां, फास्ट ट्रैक फुल कोर्स सुपर 35 बैच में मैं मेरे रेगुलर मॉड्यूल्स दे रहा हूं, जिसके अंदर 3 कलर मॉड्यूल आएंगे बेसिक कंटेंट के अंदर, 1 बूस्टर बुक आएगा जो नया बूस्टर बुक हम बनाएंगे, या फिर हो सकता है इसके जगह पर सिंपल बुक आए, 1 क्वेश्चन ईयर आएगा क्वेश्चन एंड आंसर, एंड 1 MCQ बुक आएगा। ठीक है, तो ये चीजों को आपने याद रखना, जो सुपर 35 कर रहे हैं, जो बूस्टर कर रहे हैं उनके इसमें आएगा बूस्टर बुक, Q&A बुक एंड MCQ बुक। ठीक है, ओके, अब इसके बाद में नेक्स्ट चीज, इसके भी एडिशन में सर V-Smart के तरफ से और कोई बूस्टर्स रिलीज हो रहे हैं क्या? तो मैं आपको बोलना चाहूंगा हां, फिलहाल तो हमने 3 बूस्टर्स लॉन्च किए हैं। पहला बूस्टर है मेरा, दैट इज लॉ, जो शुरू हो रहा है यहां पे बैच 21 अगस्त से, और जो अपलोड होना शुरू हो जाएगा आपका 22nd या 23rd ऑफ अगस्त से।
दूसरा बूस्टर ले रहे हैं डीटी का, जो ले रहे हैं विजय सारडा सर, ही इज अ वेरी गुड फैकल्टी और उनके रिव्यूज काफी स्ट्रांग है, जो 16th of August से पुणे में बूस्टर ले रहे हैं। मॉर्निंग टाइम रहेगा आफ्टरनून टाइम रहेगा, दैट इज 11 AM to 2 PM का। आप लाइव फेस टू फेस करना चाहते हो जो इस टाइम में आओ, अगर आप यहां नहीं कर सकते तो नियरली 17th of August से ये लेक्चर यूट्यूब के ऊपर अपलोड होना शुरू हो जाएंगे। और तीसरा बूस्टर ले रहे हैं विशाल सर, दैट इज आईडीटी बूस्टर विशाल सर, जो ऑब्वियसली बूस्टर सेम डे से शुरू कर रहे हैं, दैट इज 16th of August। टाइमिंग सिर्फ इनका रहेगा 7 AM से लेकर 10 PM का, 10 AM का। सो 7 AM से 10 AM आप आईडीटी कर सकते हो, 11 से 2 PM आप डीटी कर सकते हो, एंड 20th तारीख से तो आप 7 से 10 आईडीटी, 11 से 2 DT और 2 से 4.5 में लॉ करके तीनों सब्जेक्ट आप फिनिश कर सकते हो अगले 15 डेज के अंदर। सो यू कैन डू दिस। और इन दोनों के बूस्टर 17 अगस्त से अपलोड होंगे, मेरे जो बूस्टर्स है वो 22 से 23 अगस्त से अपलोड होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इसके एडिशन में मैं बोलू तो ग्रुप वन में हम ऑडिट के बूस्टर्स भी रेडी करने की कोशिश कर रहे हैं, जो है कपिल गोयल सर के तरफ से। कपिल गोयल सर का नाम आपने सुना होगा ऑडिट के अंदर, बहुत अच्छे रिव्यूज है इनके, इनका भी नियरली 15-16 लेक्चर्स का है, पर इसके रिगार्डिंग डिक्लेरेशन कपिल गोयल सर खुद देंगे या वी स्मार्ट के वेबसाइट के ऊपर या वी स्मार्ट के चैनल के ऊपर आ जाएगा। सो मैं चाहूंगा कि आप उनको फॉलो करते रहिए, इसका भी आएगा। और अकाउंट्स के बूस्टर्स भी हम प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, जो देने वाले हैं जय चावला सर। सो ये सभी के सभी बूस्टर्स फ्री है आपको, अगर चाहिए तो सिर्फ बुक्स आप परचेस कर सकते हो, खुद के बुक्स के साथ अगर आप मोर देन इजी हो आप खुद के बुक से भी जा सकते हो, लेकिन हमारे बुक से करोगे तो ऑब्वियसली बूस्टर्स मैच करने में आपको तकलीफ नहीं होगी। तो जय चावला सर भी डिक्लेरेशन देंगे, इसके लिए आप वी स्मार्ट का चैनल और कपिल गोयल सर का चैनल प्लीज सब्सक्राइब करके रखिए, एंड आई गेस मेरा तो सब्सक्राइब करके ही रखा होगा। आफ्टर दिस ओके, 10th पॉइंट, बूस्टर का कोई भी कोर्स, किसी का भी बूस्टर का कोई भी कोर्स ना ही पेनड्राइव ऑप्शन में अवेलेबल है और ना ही किसी वर्चुअल सेंटर के ऊपर अवेलेबल है, तो प्लीज इसकी डिमांड किसी वर्चुअल सेंटर या पेनड्राइव से मत करना, ये सिर्फ वीस्मार्ट के वेबसाइट और यूट्यूब पे ही अवेलेबल है। बिकॉज अगर आप पेनड्राइव और वर्चुअल सेंटर्स को मांगोगे तो इसमें समय चला जाएगा, और जो 2.5 मंथ्स का क्रुशियल टाइम है और हम जो ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें डिले हो जाएगा, जिसके थ्रू प्रॉब्लम आपको ही सफर करना पड़ सकता है। सो नो पीडी नो वर्चुअल, प्लीज डू यू रिमेंबर ओनली यूट्यूब एंड ओनली ओएल डाउनलोड ऑप्शन, ऑनलाइन डाउनलोड ऑप्शन। तो इस चीज को आपने याद रखना है। ओके, लास्ट पॉइंट मेरे तरफ से, मैं जितना ज्यादा आपको दे सकता हूं, आई गेस मैं दे रहा हूं, इससे भी ज्यादा अगर मैं कभी दे पाऊंगा तो श्योरली मैं दे पाऊंगा। दीज आर द CSR एक्टिविटीज जो हर बार वी स्मार्ट ऑब्वियसली करता है, जिसके अंदर हम हर बार अमेंडमेंट लेक्चर्स डालते हैं, जो इस बार ऑब्वियसली अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट विद नोट्स आएंगे। हर बार हम वन डे रिविजन्स डालते हैं, मेरे वन डे तो अपलोडेड है, उसमें कुछ अपडेशन करना बाकी है, और हर बार हम बूस्टर्स रिविजन डालते हैं, मतलब 15 दिन के बूस्टर्स रिविजन, 15 लेक्चर्स जो ऑब्वियसली फ्री ऑफ कॉस्ट स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल रहते हैं। सो आई विश ऑल ऑफ यू द बेस्ट ऑफ लक, आप इन सभी लेक्चर्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करोगे, आई होप सो, इससे आपको बहुत ज्यादा मदद होगी, आई होप सो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। दिस दर्शन खरे साइनिंग आउट। जो लोग अनफॉर्चुनेट है कोई डरने की जरूरत नहीं है, वी स्मार्ट आपके साथ है, बी स्मार्ट वी स्मार्ट ऑल अराउंड। थैंक यू, गुड डे, गॉड ब्लेस यू बेटा, बेस्ट ऑफ लक।